अल्लाह माय सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हफजमान के साथ होंगे आज दो ख़बरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुई हूँ एक तो मुलिम ज़ाहिर जाफ़र की राउनत और तकबर अभी तक नहीं गया उसकी वालदा की अकड़ अभी तक नहीं गई और वो क्या है सारा मामला और अब की बार पेशी में उन्होंने क्या बदतमीजी की और उन तमाम के हुलियों के अंदर क्या चेंजेज़ आए हैं यह सब कुछ मैं आपको बताऊँगी और साथ ही साथ आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूंगी और वो खबर है जनाब इसराइल की एक ऐसी जेल जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में शायद कोई चीज़ इतनी महफूज ना हो जितनी कि उनकी जेल महफूज है वहां से छह फ़लस्तनी कैदी जिनको उन्होंने नाहक अपनी जेल में बंद कर रखा था वो जनाब भाग गए हैं और किस तरह भागे हैं वो ऐसा दिलचस्प वाक्य है कि जो सुन के आपको इंतहाई खुशी होगी तो चलिए शुरू करते हैं पहली ख़बर से और पहली ख़बर जो नूर मुकदम के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेकिन हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मजीद अपडेट्स सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचते रहें तो चलिए शुरू करते हैं नूर मुकदम के केस से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि इसमें अब मजीद क्या अपडेट्स आई हैं तो मजीद अपडेट्स कुछ ऐसी खास नहीं है कि जो डेली बेस पे आपको बताई जाए जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होती जाएगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी आज की खबर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक डेढ़ दिन पहले यानी कि जब आप ये सुन रहे हैं वीडियो तो तब तक तो एक डेढ़ दिन गुजर चुका होगा तो नूर मुकदम जो है केस है उसकी समात हुई और जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में नूर मुकदम केस की जब समात हो रही थी तो उस वक्त जो इस केस को सुनने वाले जो जज थे जो मजिस्ट्रेट थे जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उनका नाम था शुएब अख्तर और जैसे ही उन्होंने समात शुरू की तो आपको पता है कि मुलजमान को जब उनके सामने पेश किया जाने लगा तो आपको पता है कि जब भी ये लोग पेशी पे आते हैं तो बाहर मीडिया जो है वो बड़ी तादाद में खड़ा होता है कवरेज के लिए तो जैसे ही मीडिया ने अपने कैमराज़ को ऑन किया तो जो मुलिम ज़ाहिर जफ़र इनकी जो वालदा हैं जनाब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो हमारे वीडियोज़ बनाए और पुलिस को उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर जो लोग कैमरास ऑन करके खड़े हैं उनके कैमरास को बंद करवाएं और हमारी प्राइवेसी है और हम नहीं चाहते कि हमारी प्राइवेसी में कोई जो है वो दखल अंदाजी करे। उसके बाद फिर जो मुलजिम ज़ाहिर ज़फ़र है उसने भी सेम यही बात कि उसने कहा कि जनाब हमारी प्राइवेसी में किसी को दखल अंदाजी करने का कोई हक़ नहीं है लिहाजा जिन लोगों ने खुफ़िया तौर पर कोई एक दो पहले आपको पता फुटेज़ बना ली थी Uh, मुलिम जाहिर जाफर की जो वालदा हैं असमत आदम जी उन्होंने और मुलिम ज़ाहिर जाफर ने उनकी निशानदही की और कहा कि आप इन लोगों के वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट करवाएं उसके बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में उन लोगों के कैमराज को चेक किया मोबाइल्स को चेक किया जिन लोगों ने फुटेजेस बनाई हुई थी उनको उनको, उनको अपने सामने खड़े करके उन्होंने उनके फ़ुटेज़ को डिलीट करवाया उसके बाद जैसे ही कमराए अदालत के अंदर वो लोग दाखिल हुए यानी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र उसकी वालदा और उसके वालिद तो आपको पता है कि मीडिया और जो लोग रिपोर्टर्स होते हैं वो अंदर एंटर हुए जैसे ही वो अंदर एंटर हुए तो मुलिम ज़ाहिर जाफ़र ने मजिस्ट्रेट से ये कहा कि जनाब हम तो तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि आप इन तमाम लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि फिर अगेन उन्होंने यही बात की कि हमारी एक प्राइवेसी है हम नहीं चाहते कि हमारी बातें जो हैं वो ये लोग सुने और आपको रिपोर्ट करें उसके बाद मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो मुलिम ज़ाहिर जाफ़र जो हैं आपको पता है कि जब किसी को पता हो कि उसने कत्ल किया हुआ है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि अगर वो इतना मोटा हो तो वह सूख के कांटा हो जाता है टेंशन के मारे जब उसे पता हो कि इतना हाई प्रोफाइल मेरा केस चल रहा है लेकिन मुलिम ज़ाहिर जाफर दिन ब दिन जैसे जैसे एंट्रीज मार रहे हैं जैसे जैसे समाज के लिए वो आते हैं वो पहले से ज्यादा फ्रेश दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनको ये तसली दी हुई है कि वक्त गुजारो और वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और तुम लोग छूट जाओगे इसी का नतीजा कुछ यूं था कि मुलजिम जाहिर जाफर अब की बार जब पेशी में दाखिल हुए तो जनाब जी बड़ी जबरदस्त किस्म की कटिंग कराई हुई थी वो जो पहले उन्होंने भंगियों वाला हाल बनाया हुआ था ऐसा कुछ नहीं था बड़ी जबरदस्त कटिंग और साथ में शलवार कमीज पहनी हुई थी और एक ही जो जंजीर जिससे इनको बांधा गया था उसी जंजीर से इनके वालिद को भी बांधा गया था और वालदा जो है वो साथ साथ आ रही थी लेकिन इनकी फ़्रेशनेस देखकर तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जेल में कोड़े नहीं खा रहे बल्कि सेब का जूस पी रहे हैं अगर मैं मज़ीद आपको इनके बारे में थोड़ा अपडेट करूँ तो जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि आ, एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि नया हेयर कट था शलवार कमीज़ नहीं पहनी हुई थी प्राइवेसी की बातें हो रही थी वीडियोस को डिलीट करवाया जा रहा था वालिद के हमरा ये पेश हुए थे एक ही जंजीर में दोनों बंधे हुए थे और मीडिया को अंदर आने की इन्होंने इजाज़त नहीं दी वीडियोज़ इन्होंने डिलीट करवाई और जनाब जी अब जब समात हो गई तो उसके बाद जज साहब का क्या काम होता है यही काम होता है तारीख़ पे तारीख़ तारीख पे तारीख़ और अगली तारीख़ है जनाब तारीख जी आठ सेप्टेम्बर तो आठ तारीख कौन सा दूर है आठ तारीख भी आने वाली है और जैसे जैसे इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी और अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जनाब दूसरी खबर मैं आपको बताती चलूँ कि इसराइल के अंदर एक जो इलाका है आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा तलबीब तल अबीब के अंदर एक जेल है जैसे गुआंताना मोबे की जेल होती है या जैसे ऐसी जगह जगहों पे जेलें बनाई जाती हैं जो बहुत दूर शहरी आबादी से बनाई जाती हैं और वहाँ पे अंदर सिक्योरिटी का ऐसा सिस्टम होता है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो उस जेल के अंदर आपको पता है कि फ़लस्ती को भर भर के इन्होंने वो जेलें भरी हुई हैं खास तौर पर ऐसे फ़लस्तनी जो आज़ादी के लिए अपनी आज़ादी के हक के लिए जंग लड़ रहे हों तो इन्होंने छः कैदियों को वहाँ पर पकड़ा और नाहक पकड़ा और उनको उम्र कैद की सजा सुनाते हुए तलबीब की जेल के अंदर बंद कर दिया लेकिन कहते हैं कि जब आपने कोई चीज़ ठान ली होती है तो फिर हर हाल में आप वो काम करके छोड़ते हैं ये जो छः अफराद थे जो एक सेल के अंदर बंद थे जनाब इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम एक सुरंग खोदेंगे और उसके थ्रू हम इस जेल से बाहर निकलेंगे लेकिन उसको खोदने के लिए इनके पास कोई किसी किस्म का हथियार नहीं था और आपको पता है कि जब इंसान का मुसम्म इरादा हो तो फिर वो हर काम कर लेता है चाहे उसे तिनके से क्यों ना कोई चीज़ तलवार की तरह किसी की गर्दन काटनी पड़े और ऐसा ही हुआ इनको जो खाना मिलता था उसमें जो चम्मच आता था चम्मच उस चम्मच से इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपने वॉशरूम से एक सुरंग खोदनी शुरू की सोचिए कितने सालों में इन्होंने वो सुरंग खोदी होगी और कैसे इन्होंने खोदी होगी लेकिन फाइनली ये लोग कामयाब हुए और फिर उसके बाद जब सुरंग खोदते खोदते ये पास करीबे में एक खेत थे वहाँ खेतों के अंदर से ये जो नरम मिट्टी होती है हो, उसमें से जब ये बाहर निकले तो जब ये बाहर निकल रहे थे तो जो बाहर खेतों में काम करने वाले लोग थे उन्होंने इनको देख लिया और उसके बाद उन्होंने जनाब जी इसराइली पुलिस जो है और जो पास ही जेल थी उनको मुतला किया और उनको बताया कि यहाँ पे मशकूक अफराद फिर रहे थे उसके बाद जाकर कहीं पुलिस को पता चला वरना अगर ये किसान ना बताते तो उनको ये भी पता ना चलता कि हमारी जेल में से कोई निकल गया है या नहीं निकला फाइनली पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि खेतों के पास जो है गोल गोल यानी सुरंग जो है वो अंदर की तरफ जा रही है वो जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो छह अफराद चम्मच की मदद से जगह वो सारी खोद के बाहर निकल गए हैं सर्च ऑपरेशन किया बड़ी कोशिश की कि उन लोगों का कुछ पता चले लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला थैंक गॉड के वो वहाँ से रिहा हो गए लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहूँगी कि हज़रत बाबा फ़रीद के पास वो खेतों में काम कर रहे थे तो एक दफ़ा एक शख्स आया और उसने आके कहा कि तुम्हें तो अल्लाह मिल गया है मुझे भी अल्लाह की तलाश है मुझे अल्लाह कैसे मिलेगा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तलाश क्या तुम वाकई करना चाहते हो उसने कहा हाँ तो बाबा ने कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ पास में एक नदी है वहाँ जाके नहा लो क्योंकि पाक होना बड़ा ज़रूरी है अल्लाह को पाने के लिए जैसे ये दोनों नदी में उतरे तो बाबा फरीद जो हैं वो उस शख्स ने जैसे ही पानी के अंदर डुबकी मारी तो वो उसके ऊपर बैठ गए और इस हद तक बैठे कि उसका सांस जो है वो पानी में बंद होने लग गया तो वो शख्स समझा शायद बाबा फरीद जो हैं आपको पता है जो सूफी होते हैं ना वो कुछ ना कुछ आपको करके दिखाते हैं जिससे कि आपको ज़िंदगी का सबक मिलता है वो समझा शायद ये मुझे मारना चाहते हैं इसलिए मेरे ऊपर बैठे हुए हैं और जब उसको नज़र आया कि अब इर्द गिर्द कोई मुझे बचाने वाला नहीं है जब उसको नजर आया कि मेरा सांस बंद हो जाएगा मैं मर जाऊँगा उसने पूरी फोर्स के साथ बाबा को धक्का मारा और उस पानी में से निकल के बाहर आ गया तो जब बाहर बाबा आए तो उसने कहा कि तुम तो झूठे बाबा हो मैं तो तुम्हें मानता नहीं तुम तो मुझे मार देने लगे थे तो उन्होंने कहा नहीं ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा था किया था ताकि तुम्हें समझ आ सके कि जब तुम पानी के अंदर थे और उस वक्त जब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे सामने सिर्फ मौत है और कुछ नहीं है बताओ तुम्हारे जहन में कोई और ख्याल आ रहे थे या सिर्फ तुम्हारे जहन में ये बात थी कि मैंने खुद को बचाना है इस पे वो शक कहने लगा कि मेरे जहन में ना क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसा होता है कि हर पंद्रह सेकंड के बाद एक नया ख्याल जहन में आता है उसने कहा उस वक्त तमाम ख्याल मर चुके थे उस वक्त तमाम चीज़ें कायनात में क्या हो रहा है मुझे कुछ होश नहीं था मुझे सिर्फ एक बात की थी जनाब जी कि मुझे किसी भी हाल में बच के बाहर निकलना है और मैं बच गया वरना मेरे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं आपको धक्का भी मार सकता लेकिन पता नहीं मेरे अंदर इतनी फोर्स कहाँ से आई तो जो फना फिला का एक रूहानियत के अंदर कहते हैं ना कि जब सब कुछ फना हो जाता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब सब कुछ ख़यालत ज़ीरो हो जाते हैं दम तोड़ जाते हैं तो तब हम अल्लाह को पा लेते हैं क्योंकि सवाई उसके ख़्याल के फिर कुछ रह नहीं जाता सिर्फ वो रह जाता है और हम ख़त्म हो जाते हैं तो ये वाक्य सुनाने का मकसद भी आपको यही था कि जब इंसान सारे ख़्यालत को ख़त्म करके ज़ीरो की स्टेट में आ जाता है या वो फिर तमाम ख़यालत को छोड़ के सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ हो जाता है और उतनी तमाम तोज्जो को एक ही चीज़ पे मरकूज़ करता है तो दुनिया का बड़े से बड़ा काम भी वो सर अंजाम देता है मतलब कि अगर उसे रब चाहिए उसे रब ढूँढना है तो वह रब भी ढूंढ लेता है और यहाँ तो सिर्फ उन्होंने जेल से बाहर निकलना था तो चमचों के साथ सुरंग खोदना कौन सी बड़ी बात थी तो जनाब ये थी आज की दोनों खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं अब आपकी बारी है आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए मजीद खबरें व्लॉग्स इंटरव्यूज़ और सासी तस्जीय जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किस्मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद